वो तो मैं बाद में जा रहा हूँ, तब इतनी भीड़ हो रही है, वो बैग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो देखिए, और इधर स्टेज वगैरह लगी हुई है, चल रहे हैं आगे। मैनेजमेंट के सुने, कृपया ध्यान रखें, किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ ना, मैनेजमेंट जैसे कहते हैं, जैसे कहते तो भी मान्य है, ध्यान रखें। थैंक यू, स्वस्थ रहे, धन्यवाद। बोल रहा हूँ यहाँ पर अपने सारे देश के लौंडों की मोहब्बत सिस्टम है लौंडो लौंडो लौंडो। अच्छा एक चीज तो करनी बनती है भाई, जय श्री राम। मुझे पता है भाई ब्रो, अच्छा सिस्टम वाले लौंडे तो है, ब्रो सेना वाले लौंडे कितने जो हमारे सब भाई को सपोर्ट करने के लिए। मैं आज एक चीज बोलना चाहूंगा, पता है एलविस नहीं जीता है, हम सब लोग जीते हैं। यस गाइस, यस आगे बढ़ रहा है, अपने को पता है, लेकिन आपके कंधों पर भविष्य का अपना देश कैसे बने, इस देश का प्रदेश का सारा जिम्मेवारी सारा दायित्व आपके कंधों पर है। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और नौजवान साथियों, ये एल्विस का ये जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। मैं आज एक घोषणा करता हूं कि एक प्रोग्राम देश भर में चल रहा है, इंडिया गॉट टैलेंट। इंडिया गॉट टैलेंट के आधार पर ही अब आने वाले 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान
हरियाणा परिवार सरकार एक सभा आयोजित करेंगे। इस प्रतिभा सम्मान में जितने भी हरियाणा के प्रतिभावान युवक हैं, उनमें से बेस्ट को छांटा जाएगा और बेस्ट को छांटने के बाद हरियाणा उसको सम्मानित करेगा। अब जब हम 1 नवंबर को शुरू करेंगे, मालूम नहीं अलवे समाया राय साहब उसमें अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ एक विशेष सम्मान हम एलवीएस यादव को उस दिन देंगे। और इस नाते से मैं आप युवकों से भी एक अपेक्षा करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने में आपको अपने आप को संभालना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और युवकों का भविष्य उसके अपने प्रतिभा में ही है। आप अच्छे काम करेंगे, जो भी रहता है जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये प्रतिभा से युवाओं की। तो गाइस इवेंट खत्म हो गया है, ये देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस देखिए रोड कैसा जाम कर दिया लोगों ने, यहाँ पे देखिए देखिए गाइस, ओए देख सकते हैं पूरा चक्का जाम कर दिया, पूरा रोड जाम कर दिया था, इतनी मुश्किल से निकल पाए हैं वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है देखिए, और अभी भी रोड बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है। तो देख सकते हैं, तो भाई आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।